नमस्ते बहनों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बंद गोभी की सब्जी कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने आधी बंद गोभी ली है, एक प्याज, एक टमाटर, दो तीन जवा लहसुन का, छोटे छोटे मैंने आलू दो यूज किए हैं तो मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को भी मैंने बारीक काट लिया, टमाटर को भी। मसाले में हमने जीरा लिया है, नमक, सब्जी मसाला है, यहाँ पे लाल मिर्च। अब जीरा हम डाल देंगे कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो चुका है। जीरा हमारा देखिए पक गया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये लहसुन हम जो रखे हैं इसको भी डाल देंगे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गैस को हम तेज कर देंगे, धीमा किए थे हम। चलाते रहेंगे इसको। प्याज हमारी हल्का भून चुकी है। अब इसमें हम ये पत्ता डाल देंगे। गैस को हम धीमा कर देंगे। आलू भी डाल देंगे, टमाटर हम बाद में डालेंगे। सब्जी को आगे हम भूनेंगे तब मसाला डालेंगे। तो ऐसे में हमारा मसाला है बहुत अच्छा सा इसमें कोट होता है, नहीं मसाला जलने लगता है, सब्जी नहीं पक पाती है। इसको पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पकाएंगे। इसमें हम चुटकी भर नमक डाल देंगे और नमक हम बाद में डालेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुका है, सब्जी को देखेंगे। देखिए सब्जी हमारी भून चुकी है। अब इसमें हम मसाला सारा डाल देंगे। इसमें अब इसको हम ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो गया, हम सब्जी को चेक करेंगे पकी है कि नहीं। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी पक रही है।
देखेंगे आलू पका है, अभी नहीं पका है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि जलने ना पाए हमारी सब्जी और पक भी जाए अच्छे से। 1 कप पानी हम डालेंगे इसमें। अब इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो गया, सब्जी को खोल कर देखेंगे। देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है, पानी भी हमारा सारा सूख चुका है। हम भूनने के बाद ही पानी डालेंगे तो हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए मसाला चिपक गया है, अब इसको हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब इसमें हम टमाटर जो काट कर रखे थे इसको डाल देंगे। सब्जी पकने के बाद हम डालते हैं तो ऐसे में हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से पक जाती है और टमाटर का फ्लेवर भी आ जाता है। अब इसको हम चला देंगे। देखिए मेरी सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसको हम पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसको हम थोड़ा सा ढक के रख देंगे तो भाप से पक जाएगा। बंद कर देंगे गैस को। गैस हमने बंद कर दिया, अब देखिए बंद कर रहे हैं सब्जी को भी। अब इसको हम 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद हम खोलेंगे इसको। 5 मिनट हो गया है हमारी सब्जी, देखिए कितनी अच्छी पक चुकी है। टमाटर हमारा गल गया है, देखिए हमने गैस को बंद करके भी डाल दिया है टमाटर, फिर भी हमारा पक गया टमाटर। देखिए अब इसको हम ये खाने के लिए तैयार हो गई है सब्जी। इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। देखिए हमने कितने कम मसाले और तेल में बनाया है सब्जी, फिर भी हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है। ऐसे ही आप भी बनाइएगा कम तेल और कम मसालों में। तेल मसाला ज़्यादा हमारे शरीर को हानिकारक ही करता है, फायदा नहीं देता है। सारी सब्जी निकाल लेंगे हम। हमने सब्जी निकाल लिया है, देखिए ना कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।